अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी, फाइनली हम लोग ने एक बकरे ख़रीद लिए हैं, क्योंकि हम लोग हर साल बकरे इंटीरियर सिंह से ख़रीदते हैं। कराची वाले तो इंटीरियर सिंह से जाके ख़रीदते हैं, वहाँ पर जाके थोड़ा पैसों का जो होता है फ़र्क होता है, शहर से ज़्यादा पैसों का थोड़ा फ़र्क होता है इसमें, अगर हम इंटीरियर सिंह से जाके बकरे लेते हैं। तो हमने भी यही किया, इंटीरियर सिंह से जाके बकरे लिए, लेकिन मैं नहीं जा सका जिसकी वजह से वहाँ का ब्लॉग भी नहीं बना। अगर वहाँ जाता तो ज़रूर ब्लॉग बनता है वहाँ का। तो बकरे दिखाते हैं आपको चल के, जब हमने लिए हैं माशाल्लाह बकरे, तो बकरे भी चल के आपको दिखाते हैं, पूरा ब्लॉग दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए। तो चलते हैं वीडियो आप लोग आगे, तो चलते हैं बकरों की तरफ। ये अभी इन लोग का जो है पानी का टाइम हो गया, इनको पानी देना है, रात का टाइम है। तो ये इनकी बाल्टी शायद रखी हुई थी, बाल्टी है पानी है, खैर पानी तो है बाल्टी में। इनको ये बकर हैं सारे, आप लोगों को दिखाता हूँ कि चल के हम आए हैं तो सारे इधर यहाँ पे आ गए। आप लोगों को उस तरह से, दूसरी तरह से मैं आप लोगों के साथ ये दिखाता हूँ। हाँ जी, तो ये देख सकते हैं फाइनली ये हमने एक हमारे घर के अंदर पीछे गली, हमने यहाँ पे फिर बकरों की जगह बनाई हुई है। तो ये इसका पूरा गेट खुद बनाया हम लोगों ने, उसके बाद ये सब रेती मतलब मिट्टी वगैरह डाली, इनकी पूरी जगह बनाई है। माशाल्लाह बकरा लोग देख सकते हैं, बस मैं आया तो इनको बकरे यहाँ आ गए फटाफट, इनको बता दिया खाना मिलने वाला है। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं बकरे, एक बकरे देख सकते माशाल्लाह, रुके बोले नजर ना लगे, बस बकरे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह। ये हमने लिए इंटीरियर सेंसर, इंटीरियर सेंसर लेने का एक फ़ायदा ये है कि आप लोग को जो बकरे हैं वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, मतलब अगर ये बकरे यहाँ से लेते हैं तो उसमें 30 से 40 हज़ार का फ़र्क होता है बकरे लेने का। तो ये एक थोड़ा फ़ायदा होता है वहाँ जाने का कि एक बकरे पर 30-40 हज़ार बच जाते हैं। तो वहाँ से क्योंकि यहाँ जो कराची बकरा आती है भी इंटीरियर सिंह से व्यापारी लेके आता है, तो यहाँ लाने पर सारा उसका भी उसका किराया भी होता है, पेट्रोल ये वो सब कुछ, 10 चीज़ें होती तो इसलिए बकरा महंगा हो जाता है। तो ये सब दिखाना था, अभी इनको खाना वाना डालते हैं, इनको खाना पड़ा हुआ है घास यहाँ पर, ये इनकी घास है जो कि मुझे देनी है इनको, बाद उसकी घास ज़रा बांधो इस रस्सी में दिखाता हूँ। इनका जो ये खाना है ये दो जगह मतलब बनते हैं, ये यहाँ है, ये पहली जगह यहाँ बन देगा, दूसरी जगह वहाँ पर। तो वाली रस्सी भी मैं ले आता हूँ जाके, अभी बंद कर दिया दरवाज़ा तो ये बाहर नहीं जाएंगे। बकरे देखे भाई, ज़रूर कमेंट में बताइए कैसे लगे, माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा भाई। हाँ जी, तो ये इनका खाना बांध दिया इस रस्सी में, इनको देना, और देखिए कि रिएक्शन इनके कैसे आते हैं। ये लोग चलो आवाज़ें आना शुरू हो गई, आप लोग को खड़े हो गए, ये सारे जमा हो गए। इनको खाना देना एक मिशन है, तो यह वीडियो तो मुझे रोकनी पड़ेगी, इन्होंने मुझे पता है मैं ऐसे दे ही नहीं सकता इनको। हाँ जी, तो इनको दे दिया फाइनली खाना, वे खाना देते हैं सब एकदम जो है झंपटा मारते हैं पूरा, तो उस पर वीडियो भी बना नहीं सका। ये तो शुरू हो गए खाना खाना, वो तो आपस में बताइए कहाँ चले गए, वो एक बैठा हुआ उसको मुझे लगता है भूख भूख नहीं लग रही। खैर वहाँ दूसरी जगह भी खाना डालते हैं, ये दोनों जगह खाना डाल दिए, इनको भी डाल दिए इधर भी इधर भी, जब यहाँ डाला तो सारे यहाँ गए थे, वहाँ डाला तो सारे वहाँ गए, देख सकते हैं। तो ये दोनों देख सकते हैं,
और मेरी हालत भी देख सकते हैं, पसीने से बुरा हाल हो चुका है मेरा इस टाइम। तो काफ़ी देर से इनके पीछे लगे रहें, खाना वाना डाल लें। ये तो देखे होता है, बकरे आप लाएँ तो ये शौक होता है अपना, और साल में एक बार ही आते हैं तो बड़ा शौक है इस चीज़ का, शौकिया करते हैं हम भी। तो माशाल्लाह ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसे लगे आपको बकरे, कैसे हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा इनका दोबारा व्लॉग बनाएंगे बकरों का, इंशाल्लाह बीच चले तो व्लॉग आ करेंगे इनके, तो व्लॉग देखते रहिएगा। बाकी बकरों की कुछ वीडियो मैंने बनाई थी बाहर की, वो एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।